तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट दैट इज माइनस 140 हियर निगेटिव वैल्यू आ गई। निगेटिव वैल्यू आ गई मतलब हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा 140 मतलब 90 का कंप्लीट रोटेशन और 140 सेकंड ये जो क्वाड्रेंट है थर्ड वाला तो इसमें की लिमिट है 90 डिग्री और हमें 140 चाहिए। 90 हो गया है 90 प्लस 50 गिव्स 140। तो यहां से एक 50 डिग्री का आर्म डाल देते हैं और ये हो जाएगा टोटल कंप्लीट एंगल। दिस विल बी -140 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड। यहां हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। क्वाड्रेंट के नेम्स हमेशा सेम ही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नाउ हम चलते सेकंड की तरफ। जो सेकंड है वो 250 डिग्री और 250 डिग्री पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रेफर करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रेफर करेंगे 250 मतलब 180 का कंप्लीट रोटेशन आएगा। 180 का एक कंप्लीट रोटेशन, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो गया, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 180 का कंप्लीट रोटेशन और 180 के बाद 70 डिग्री का ब्लॉक है तो 70 डिग्री के लिए एक रे डालेंगे। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री के लिए रो, ये हो गया 250 डिग्री। हमें पता वैसे ही चलता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर 90 डिग्री, सेकंड 180, 3 270, 4 360। तो 270 के अंदर आ रहा है 250, देयरफॉर इट विल लाइन थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलते हैं हम आगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 420 डिग्री, थर्ड है 420 डिग्री, 420 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर विल प्रिफर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। 420 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 420 इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो 360 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे करते हैं 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन और फिर यहाँ से एक 60 डिग्री के लिए आर्म डालते हैं और ये यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल 420 डिग्री का एंगल हो गया। तो हियर एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये हो गया थर्ड। अभी हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है 750 डिग्री, फोर्थ जो है वो है 750 डिग्री, 750 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये 750 ये बड़ी वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 750 एक बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 750 को हम लिख सकते हैं 750 को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 2 750 को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री बिकॉज ये आ जाएगा 720 इंटू प्लस 30 डिग्री 720
प्लस 30 डिग्री। तो 720 प्लस 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे वन रोटेशन, टू रोटेशन, यहाँ पे दो रोटेशन कंप्लीट हो गए 30 डिग्री का आर्म, और फिर यहां से ये, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 750 डिग्री। 750 डिग्री तो हम यहाँ क्या लिख सकते, हियर द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट। फोर्थ भी हो गया, अभी हम देखते हैं हमारा फिफ्थ जो है 945 डिग्री, फिर से पॉजिटिव वैल्यू, तो फिफ्थ 945 डिग्री, तो 945 डिग्री है, तो यहां हम लिखेंगे पॉजिटिव, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 945 को हम कैसे लिख सकते हैं, 945 डिग्री इक्वल्स टू 360 इंटू 2 720, तो हो गया 720 प्लस 180 गिव्स 90, 720 प्लस 180 गिव्स 900। तो यहाँ हम और एक चीज लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 180 और प्लस 45 डिग्री, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो गया। तो हम अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए, तो ये हमारा फर्स्ट रोटेशन, ये हमारा सेकंड रोटेशन, और ये 180 डिग्री, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अभी 45 डिग्री के लिए हमें आर्म डालना पड़ेगा, 45 डिग्री के लिए हमने आर्म डाला, 45 डिग्री के लिए आर्म डाल के हमने यहाँ एंगल जोड़ दिया, तो ये जो एंगल बना हमारा वो गया 945 डिग्री। देयरफॉर आप अभी यहाँ पे जो हमने पहले सेंटेंस लिखे पहले के इसमें, दैट हियर द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इस प्रकार आप सेंटेंस लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी हम चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ, तो छठवां सब पार्ट है 1120 जो कि है सिक्स्थ 1120 डिग्री, फिर से पॉजिटिव, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज, और 1120 को हम कैसे लिख सकते, 1120 को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 270 लिख सकते क्या, 720 प्लस 270 विल गिव यू 930, तो हम फिर से लिख सकते हैं 360 जो हमें 180 दे गए, और प्लस 40, तो ये हो गया हमारा 1120। तो अब हम यहाँ तीन रोटेशन हो गए, एक दो और ये तीन, तीन रोटेशन होने के बाद 40 डिग्री के लिए हमें यहाँ से आर्म डालना पड़ेगा, 40 डिग्री के लिए यहाँ से आर्म डाला, और ये बन गया हमारा 1120 डिग्री। सो हियर एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी प्रकार बाकी के जो चार है वो हम बहुत जल्दी निपटा लेते हैं, दैट इज बाकी के जो चार है 80 डिग्री माइनस 300 500 एंड 820। 80 डिग्री का करते हैं हम माइनस 80 डिग्री विल डील विथ 7 माइनस 80 डिग्री माइनस 80 डिग्री नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर क्लॉकवाइज, देयरफॉर यहां हमें किस कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहां से एक 10 डिग्री की आर्म डालनी पड़ेगी
और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे माइनस ई टी लिख सकते हैं। देयरफॉर हियर इट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, तो अगला जो है वो है 330 डिग्री। 330 डिग्री ये है, 8 इज माइनस 330 डिग्री, नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव वैल्यू इसलिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन तो नहीं होगा, यहाँ जो है वो 30 डिग्री का आर्म होगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा माइनस 330 डिग्री। और ये जो है दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी हम नाइन्थ का देखते हैं, नाइन्थ और टेंथ काफी जो एग्जांपल है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए है। और ये लास्ट टू एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं अभी, वो है माइनस 500 और 820 डिग्री, माइनस 500 एंड माइनस 820, माइनस 500 माइनस 820, माइनस 500 डिग्री एंड माइनस 820 डिग्री। तो ये दो आपके लिए होमवर्क कर देते हैं, भला इसके आंसर्स कौन से क्वाड्रेंट में है वो मैं आपको बता देता हूँ, that will be in second and third quadrant, this will lie in second quadrant and this will lie in third quadrant। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारा जो second question है वो भी बेहतरीन तरीके से complete हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं third, इसके लिए मैंने आपको बता चुका तो एक बार फिर से revision कर देता हूँ। 1 radian equals to 180 डिग्री बाय पाई। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो अभी हम देखते हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी फर्स्ट विल टेक फर्स्ट, दैट इज 85 डिग्री। वी हैव 1 radian equals to 1 radian equals to pi by 180. Now 85 degree equals to 85 into pi by 180. So यह आ जाएगा 17 आ जाएगा। That will be 17 into pi by, यहाँ आ जाएगा 36। यहाँ हमने divide किया, 5 से divide किया, अभी 5 से divide करने के बाद जो answer आया वो 7 pi by 36। Radian देना नहीं भूलना, this is in terms of radian। आप देख सकते हैं 85 degree का रेडियन में क्या आ जाएगा, 17 पाई बाय 36। अभी हम सेकंड सॉल्व करते हैं, दैट इज 250 डिग्री। सेकंड जो है वो 250 डिग्री है और हमारे पास है, वी हैव 1 radian इक्वल्स टू पाई बाय 180। तो यार 250 डिग्री इक्वल्स टू 250 इनटू पाई बाय 180। यहां से यहां जीरो से जीरो कैंसिल, सो यहाँ आंसर आ जाएगा 25 पाई बाय 18 रेडियन। काफी इजी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं और काफी इजी समझने के लिए। थर्ड विल गो विथ माइनस 132 डिग्री। तो यहाँ फिर से वी हैव 1 radian इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री, काफी इजी है। 1 radian equals to pi by 180, अभी minus 132 degree equals to minus 132 into pi by 180। काफी बच्चे यहाँ से गलती करते हैं, यहाँ पर degree का sign देते हैं, यहाँ पर degree का sign कभी देना नहीं, because it is in radian, यहाँ भी degree का sign देना नहीं। मैंने यहाँ भी नहीं दिया,
यहाँ भी नहीं दिया। सो डू नॉट गिव द डिग्री साइन इन दिस रेडियंट फॉर्मूला। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 66 इंटू पाई बाय 90 डिग्री। यहाँ से अभी हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 पाई बाय 30 रेडियन। रेडियन देना नहीं भूलना। सो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, 22 पाई बाय 13। और हम यहाँ इसको 2 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल बी 11 पाई बाय 15 रेडियन। 11 पाई बाय 15 रेडियन इज इक्वल टू माइनस 132 डिग्री। अभी हम फोर्थ चलते हैं। फोर्थ जो है वो 65 डिग्री 30 मिनट है, जो फोर्थ है, फोर्थ है 65 डिग्री 30 मिनट। काफी भयंकर लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी है ये। हम 65 डिग्री 30 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 65 डिग्री इनटू हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, हाफ। तो हम यहां लिख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। तो हम अभी, नाउ वी नो 1 रेडियन पाई बाय 180। तो यहां 65 डिग्री 30 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे, 65 बाय 2 इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 से तो 5 से कैंसिल, 13 पाई बाय 72, 13 पाई बाय 72, इज दैट क्लियर, करेक्ट है, सही है, 13 पाई बाय 72 रेडियन। अभी हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ है 70 डिग्री 30 मिनट। फिफ्थ जो है वो है 70 डिग्री 30 मिनट, 75 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो लास्ट टू है वो मैं आपको करवा के देता हूं, क्योंकि लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज फिफ्थ वन इज 75 डिग्री 30 मिनट। तो ये जाएगा 75 डिग्री 30 मिनट, सेम फंडा, 75 डिग्री इंटू हाफ, 75 बाय हाफ, 75 बाय 2। नाउ वी नो 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 180, देयरफॉर 75 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू बाय 2 इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180। तो ये आ जाएगा 75 पाई अपॉन 360, 75 पाई अपॉन 360। सो ये आ गया आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अभी जो लास्ट है, दैट इज लास्ट वन इज 40 डिग्री 48 मिनट, जो सिक्स्थ है, 40 डिग्री 48 मिनट्स। तो इसका ये हम होमवर्क के तौर पे देते हैं। इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर, दैट विल बी 51 पाई डिवाइडेड बाय 225। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस। अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, इसका भी एक सेम फंडा है एज इट वाज ऑफ लास्ट क्वेश्चन, दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, यहाँ डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है, दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो ये हम अभी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं पहला, जो पहला है 7 पाई, फर्स्ट 7 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12, 7 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हम कैसे करेंगे, वी नो
1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो हम यहां लिखेंगे 7 पाई बाय 12 रेडियन इक्वल्स टू 7 पाई बाय 12 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 के टेबल से 2 और ये 30 और 2 से ये 30 और ये 15, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर है 105 डिग्री, काफी बेहतरीन और इजी तरीके से। सेकंड जो है वो एग्जांपल हम लेते हैं, या सेकंड है माइनस 5 पाई बाय 3 रेडियन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 6 दिख रहा है पर यह है रेडियन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे माइनस 5 पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 5 पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स माइनस 5 इंटू 60 डिग्री, जो कि आ जाएगा माइनस 300 डिग्री। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, माइनस 300 डिग्री। थर्ड जो है वो है 5 रेडियन, थर्ड जो है 5 रेडियन, तो हम 5 रेडियन को भी देख लेते हैं। अभी काफी इजी प्रॉब्लम है और इजी वे में आपको समझ रहे हैं, सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 5 रेडियन इक्वल्स टू 5 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, 5 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, जो कि आ जाएगा 900 डिग्री बाय पाई। सो आपका आंसर आ जाएगा 5 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। तो ये हो गया आपका थर्ड। अभी हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है 11 पाई बाय 18 रेडियन, फोर्थ है 11 पाई बाय 18 रेडियन, जो कि है वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 बाय पाई, तो हम यहां लिख सकते हैं 11 पाई बाय 18 रेडियन इक्वल्स टू 11 पाई बाय 18 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 18 के टेबल में 10, 11 इंटू 10 डिग्री, 11 पाई बाय 18 रेडियन इक्वल्स टू 110 डिग्री। देख सकते हो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ रहा है। और फिफ्थ वन है जो कि है माइनस 1/4 रेडियन, माइनस 1/4 रेडियन, माइनस 1/4 ऑफ रेडियन। सो बेसिक फॉर्मूला वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, सो माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, 4 के टेबल से इसे कैंसिल करो, 4 4 सा 16, 2 कैरी 5 सा, ये आ जाएगा माइनस 45 बाय पाई डिग्री, माइनस 45 बाय पाई डिग्री। और यू कैन कैलकुलेट इट, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 45 डिवाइडेड बाय 22.7, जो कि आ जाएगा माइनस 45 इंटू 7 बाय 22, जो कि आ जाएगा 14 डिग्री और 19 मिनट्स, 14 डिग्री और 19 मिनट्स। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। काफी बेहतरीन प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अभी कुछ बेसिक चीजें यहाँ जान लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट,
1 मिनट, ये जो सिंबल है इसे मिनट की तौर पे यूज किया जाता है। इन डिग्री सिस्टम इसे मिनट के टाइम से तौर से यूज किया जाता है। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। समझ में आ गया? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। यहां हम लिख सकते हैं दिस डिनोट्स MIN, दिस डिनोट्स SEC सेकेंड्स, और दिस डिनोट्स डिग्री। तो अभी हम पहला सॉल्व करना चालू कर देते हैं। फर्स्ट दैट इज 183.7 डिग्री, 183.7 डिग्री। तो 183.7 डिग्री को कैसे लिखते हैं? वी कैन राइट इट एज, यहां से चालू करते, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, 0.7 डिग्री, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर दो 0.7 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 183 डिग्री प्लस 42 मिनट, 182 डिग्री 42 मिनट। अभी इस टर्म में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो समझ जाना कि वो हमारा आंसर आ चुका है। देयरफॉर आंसर इज 182 डिग्री 42 मिनट। यहाँ पे प्लस साइन नहीं दिया तो भी चलता, यहाँ पे नहीं दिया तो भी चलता, लेकिन फर्स्ट इसमें देना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 183 डिग्री 42 मिनट। तो अभी हम सेकंड की तरफ चलते हैं, दैट इज 245.33 डिग्री। सही है बिल्कुल। तो अभी हम देखो इसे कैसे करते हैं सॉल्व। इसे लिखते हैं 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। अभी डिग्री था इसलिए प्लस साइन दिया, अभी प्लस साइन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे अभी 0.33 इंटू 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई हो गया 245 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा फिर 18.8। क्या आ जाएगा? 19.8 आ जाएगा, यह आ जाएगा 19.8। अभी पॉइंट है तो मिनट है, पॉइंट आया मतलब हमारा आंसर नहीं आया, तो यह आ जाएगा 245 डिग्री 19 मिनट, यहां प्लस आ जाएगा 0.8 मिनट। तो यहां हम लिखेंगे 245 डिग्री 19 मिनट, अभी प्लस हट जाएगा 0.8 इंटू 60 सेकेंड्स, तो यह आ जाएगा 245 डिग्री 19 मिनट्स, ये आ जाएगा 48 सेकेंड्स। अभी इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, देयरफॉर 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड। देख सकते हो ये है डिग्री, ये है मिनट, और ये है सेकंड। तो ये हो गए हमारे दो। अभी हम चलते हैं थर्ड की तरफ, दैट इज 1.5 रेडियन, 1.5 रेडियन। देखो थर्ड जो है वो है 1.5 रेडियन, 1/5 रेडियन। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये लगाना जरूरी ही है, 180 डिग्री बाय पाई, सही है 1/5। तो ये आ जाएगा 1/5 into 1/5 रेडियन, 1/5 into 180 degree by 5 pi, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 times,
और ये आ जाएगा 36 बाय पाई। तो आंसर जो है वो कैसा आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7 जो है 36 इंटू 7 बाय 22 लिखना पड़ेगा, 22 2 से कैंसिल, दैट विल बी 118 और ये आ जाएगा 11। सो इट विल बिकम 18 17 सा 18 इंटू 7 18 इंटू 7 कितना होता है 126, 18 इंटू 7 126 डिवाइडेड बाय 11, सो 126 डिवाइडेड बाय 11 विल बी 11.121, 5 कैरी, 4 5 carry 4, then 6 remaining 5 degree. अब ये जो आ गया वो degree में आ गया. Now we have to convert into minute, degree, second. Therefore हम यहाँ लिखेंगे 11 degree plus 40 0 point plus हम यहाँ लिखेंगे 0.45 डिग्री. तो यहाँ हम लिखेंगे 11 डिग्री, अभी प्लस खट जाएगा 0.45 इंटू 60 डिग्री, 60 मिनट आ जाएगा यहाँ 11 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब 4.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 27.5 मिनट. तो आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट प्लस 0.5 मिनट. तो यहां हम लिखेंगे 11 डिग्री 27 मिनट 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स. तो ये आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट और नियर अबाउट 30 सेकेंड्स. तो आपका आंसर हो जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट 30 सेकेंड्स. तो ये हो गए हमारे अभी तक 4 क्वेश्चन और अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन एन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 7 पाई बाय 36 रेडियन एंड measurement of angle B equals to 120 degree, find measurement of angle C in degree and radian.